हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स, तो इसके अंदर हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, कि भाई नंबर किस टाइप के होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें सीखना है। नंबर्स के बारे में वैसे आप क्लास 6 से लेकर अभी तक सीख ही रहे हैं। ठीक है, कि आपने स्टार्टिंग में सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, आपने इंटीजर्स भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ठीक है, वही चीज़ें हमें अब दोबारा से पढ़नी है, पर फिलहाल हमें उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। अब हमें इस चैप्टर के अंदर रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में समझना है। तो वहाँ तक जाने से पहले हम पहले पीछे का रिवाइज करेंगे एक बार, कि हमने आज तक 9th क्लास तक पहुंचने तक कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ा है, हम वो भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर में मेन हमें समझना है रैशनल नंबर के बारे में, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में जानने से पहले हम एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है, हम इसको पहले लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। जो सबसे पहला टाइप है, जो सबसे पहला टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में कहें तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या होता है भाई प्राकृत संख्या? वो संख्या जो जीरो से लेके हम नेचर के अंदर, देखो नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमें नेचर में एग्जिस्ट होती हैं। नेचर में आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो आप गिनती करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो आप किसी चीज़ को 1, 2, 3, 4 गिनेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। आप किसी चीज़ को जीरो नहीं गिन सकते। मैं कहूँगा अगर आपके सामने एक टेबल रखा है और टेबल पे कुछ सामान रखा है, तो मैं अगर मैं पूछूँ आपसे कि गिन के बताओ यहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी रखी है, तो आप कुछ भी चीज़ गिनोगे तो या तो वो 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी, उससे ज़्यादा होगी। पर आप कभी ऐसा बोल सकते हो क्या कि किताब टेबल पे 0 किताब रखें? तो कभी ऐसे नियम बोलते हैं। ठीक है, तो 0 चीज़ हम अपने मतलब किसी चीज़ को गिनते नहीं हैं। तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर आपका कौन सा होता है? 1। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगले होते हैं होल नंबर्स। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन होते भाई? तो पूर्ण संख्या के अंदर, यानी कि होल नंबर्स के अंदर वो भी आ जाता है जो इसमें नहीं है, यानी कि 0। ठीक है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, और इसमें 0 भी आ जाता है। होल नंबर यानी अब हमारे नंबर पूरे हो गए। ठीक है, जो पहले 1 से लेके इनफाइनाइट तक थे, अब उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, 0। ठीक है, 0 जुड़ते ही हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे और वो बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट का साइन होता है। ठीक है, 8 को हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, और 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर्स। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है,
तो आपको यही बताना है कि होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, बाकी सारे नंबर सेम होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा होल नंबर बताओ जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। ऐसा होल नंबर बताओ जो नेचुरल नहीं है, तो वो अकेला ऐसा नंबर है जीरो, ठीक है। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है, और ये कई बार आपके एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा होल नंबर बताओ जो नेचुरल नहीं है, वो कौन सा नंबर है, जीरो, ठीक है। तो इस नेचुरल नंबर्स को ही हम कई बार पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, क्योंकि हमें तीसरा जो पढ़ना है मैं इसको कहूंगा कि नेगेटिव नंबर्स, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ये हमने जो पढ़ा ये पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, ठीक है। तो इसके आपने कभी नंबर लाइन बनाया होगा, अगर मैं इधर एक नंबर लाइन बनाऊं तो आपको पता है कि नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है और उसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो राइट वाले ये नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके, जीरो से राइट में जो आते हैं ये सारे कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट में जो आ रहे हैं ये आपके कौन से नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। जीरो से लेके आगे बोलोगे तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ये आपके माइनस के होते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जीरो क्या होता है, जीरो आप देख रहे हैं उससे इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, जीरो बीच में है, तो जीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जीरो न्यूट्रल होता है, ठीक है, ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है, ठीक है। पर कई बार हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ना ही ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब मैं इनको नेगेटिव नंबर्स बोल रहा हूँ पर नेगेटिव नंबर्स बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको नेगेटिव इंटीजर बोलूँ, और नेचुरल नंबर जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो उनको पॉजिटिव नंबर्स बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलूँ, क्योंकि हमारा अगला जो टाइप ऑफ नंबर है वो है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। जो हमारे पूर्णांक होते हैं ना इसके अंदर ये सब आता है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा ये सब, यानी कि इंटीजर क्या होते हैं, इसमें जीरो के जीरो सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, ये जो होता है ये आपका इंटीजर होता है। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, ये हैं आपके इंटीजर्स। और एक्चुअल में जो आप नंबर लाइन बनाते हैं ना वो आप इंटीजर्स की ही नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो जो आप नंबर लाइन बनाते हैं वो इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाते हैं, उसी में हम पॉजिटिव साइड भी बनाते हैं, नेगेटिव साइड बनाते हैं, और उनका उनके बीच में जीरो भी होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपको समझ में आ गया कि वन से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, होल नंबर आपको समझ में आ गया जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, और इन्हीं का ये पॉजिटिव साइड के हैं तो नेगेटिव साइड में माइनस के होते हैं, माइनस का इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटीजर्स जो होते हैं उसके अंदर ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी बढ़ चुके हैं, ठीक है, एट्थ क्लास में। अब हमें इसके आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहती है कि पॉजिटिव में तो चलो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती ज़्यादातर कि भाई पॉजिटिव इंटीजर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, नेगेटिव में कन्फ्यूज़न रह जाती है कि नेगेटिव इंटीजर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप ये नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी और ऐसे भी, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं
पॉजिटिव में तो चलो हमें पता होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कि अगर मैं दो नंबर लिखूं कि भाई पांच बड़ा है और सात बड़ा है, ये तो आप हंसते खेलते बता दोगे कि सात बड़ा है। पर कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि माइनस पाँच बड़ा है या माइनस सात बड़ा है, क्योंकि होता क्या है कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, पर कुछ बच्चों को क्या होता है कि उनके कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर नहीं होते, ठीक है, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, और ये इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनके आगे का पूरा कोर्स या पूरा पूरे टाइम मैथ उनका ख़राब रहता है, ठीक है। और फिर वो लोग यही बोलते हैं कि हमें मैथ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मैथ अच्छी इसलिए नहीं लगती आप लोगों को क्योंकि आप मैथ अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। बेसिक्स आपके कमज़ोर होते हैं, उसके बाद आप इन चीज़ों में आके फंस जाते हैं, तो आपको फिर आपके आंसर गलत निकलते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद आप ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैथ मुझे पसंद नहीं है। पर शुरुआत आपकी यहीं से होती है, ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। आपने शायद चौथी पाँचवीं छठी क्लासेस में ये सीखा होगा, पर जिन्होंने ध्यान से नहीं सीखा उन्हीं से गलतियाँ होती है। तो अगर मैं अब यहाँ पे आपसे पूछूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं पहले कि माइनस फाइव बड़ा होता है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये सारा खेल जो है नंबर लाइन का है, ठीक है। नंबर लाइन में आपको पता है बीच में जीरो होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, मैं ऐसे बना देता हूँ। हमेशा होता क्या है, नंबर लाइन में राइट की तरफ जाने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। और लेफ्ट की तरफ आएंगे, राइट हैंड पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो वैल्यू घटेगी। अगर जैसे मैंने यहां पे दो वैल्यू लिखी है, माइनस फाइव और माइनस सेवन, तो अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं और मैं लिखूं यहां माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, तो आपको ये देखना है कौन ज़्यादा राइट में, ठीक है। जैसे ये रहा माइनस सेवन और ये रहा माइनस फाइव, राइट में कौन सा है, इन दोनों में से जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो आपके राइट साइड में ये है तो ये बड़ा है, ये आपके लेफ्ट में है, इसके मुकाबले लेफ्ट में है तो ये आपका छोटा हो गया, ठीक है। तो जो जितना राइट में होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, आप ये भी बोल सकते हैं जो नेगेटिव नंबर्स के अंदर, नेगेटिव नंबर्स के अंदर जीरो के जो जितने ज़्यादा पास होगा वो उतना बड़ा होगा, और जीरो से जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा। कि भाई अगर मैंने दो नंबर बनाए हैं माइनस बारह और माइनस पंद्रह, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अभी भी अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 12 पहले आएगा, माइनस 12, फिर आप लिखेंगे माइनस 13, फिर आप लिखेंगे माइनस 14, फिर आप लिखेंगे माइनस का 15। मान लेते यही लाइन कंटिन्यू हो रही है, तो आप देख सकते हैं फिर से कि ये राइट में आ गया और फिर से लेफ्ट में आ गया, ये जीरो से ज़्यादा पास में है, ये जीरो से ज़्यादा दूर में है 12 के मुकाबले, इसीलिए माइनस का 12 बड़ा हो गया, ठीक है। कई बच्चे तो यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, माइनस वन बड़ा या माइनस टू, और मैंने अनेकों बच्चों को देखा है जो माइनस टू को बड़ा बोल देते हैं, ठीक है, पर नहीं, माइनस वन बड़ा है, ठीक है। अब ये तो होल नंबर्स में, चलो मैं कुछ पॉइंट्स वाले नंबर आपको देता हूँ कि अगर माइनस का 1.2 और माइनस का 1.7, अब कौन बड़ा है, तो अभी भी कौन बड़ा है, माइनस का 1.2। अरे आप इनके नीचे से हटा दो, ये अगर ये हटा दो तो ये 12 और 17 बन जाएंगे ना, इसको भी लिख दो बटे में 10, इसको भी लिख दो बटे में 10, अभी भी ये 12 आपको दिख रहा है, ये 17 दिख रहा है, तो 12 पास ज़्यादा पास होगा, 17 उससे दूर होगा, इसलिए यही बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है। वैसे भी आप सोचो माइनस 1.2 वैल्यू बड़ी होती, अगर पॉजिटिव में एक्चुअल में जो बड़ा होता है ना, अगर उन्हीं को नेगेटिव में कर दे तो वो छोटा बन जाता है बड़ा वाला, ठीक है। तो आप पॉजिटिव में सोचें कि 1.2 बड़ा होता है 1.7, पॉजिटिव में तो ये बड़ा होगा, ठीक है, पर जब हम दोनों के आगे नेगेटिव लगा देते तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा खेल नंबर लाइन का है, ठीक है।
तो नंबर लाइन पे ही से ही आपको पता चल सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनमें तो जल्दी कोई दिक्कत नहीं आती है, पर ज़्यादातर आप लोगों को नेगेटिव नंबर्स में दिक्कत आती है। तो आप यही सोच के चलेंगे, नेगेटिव में जो छोटा है, एक्चुअल में जो देखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा होता है, और जो देखने में बड़ा लग रहा है वो एक्चुअल में छोटा होता है। ठीक है। तो और हम ये भी बोल सकते हैं, जो जीरो के जितना ज़्यादा पास है वो उतना बड़ा है। ठीक है। अब इनमें हमारा जो है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी आता है, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, आप लोग बचपन से ही चीज़ों को रट लेते हैं। क्या क्या रटते हैं आप? आप रट लेते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। और आप हमेशा माइनस माइनस प्लस, जहाँ पे आपको दो माइनस दिखे आप क्या कर देते हैं, उसको पॉजिटिव बना देते हैं। पर आपने शायद कभी भी, अगर आपके टीचर ने ये बात आपको बोली है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो शायद आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना नहीं। मतलब आपने इतना ही सुन लिया कि माइनस माइनस प्लस होता है, पर उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आप कभी समझते नहीं है। तो एक बार मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों, ताकि आप इन छोटे छोटे प्लस माइनस में गलतियाँ ना करें। आपने बोल दिया कि माइनस माइनस प्लस होता है, मैं बोल रहा हूँ कि अब करो, तो आप क्या करेंगे इसमें? कुछ लोग कहेंगे कि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है। तो माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, पर उसके आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे, पर एक्चुअल में ये माइनस का 5 होगा। ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो होता है, पर किस तरीके से? दो इसमें दो बातें आती हैं, उन बातों को आपको समझना है। फिलहाल यहाँ पे जो है ये -2 और -3, वो क्या बनेगा? -5। तो दिक्कत यहाँ पे होती है कि बच्चे सोचते हैं कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और इनको जोड़ के 5 लिख देंगे, तो इसका आंसर प्लस का 5 आना चाहिए। पर एक्चुअल में वो प्लस का 5 नहीं, आंसर क्या आना चाहिए? माइनस का 5। ठीक है। अब यही मैं आपको बोलूँ, -2 मल्टीप्लाई में -3, अब क्या आना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि भैया आपने बताया कि माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 कर देंगे। पर अब ये चीज़ गलत है। अब यहाँ पे वो चीज़ सही है जो आपने हमेशा से रटी है, जो कि है माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यानी कि यहाँ पे अब क्या आना चाहिए? प्लस का 6, ना कि माइनस का 6। क्यों? क्योंकि अब आपको इसमें समझ में आएगा कि भाई माइनस माइनस प्लस एक्चुअल में होता कब है। माइनस माइनस आपने सुन लिया प्लस होता है, पर आपने ढंग से नहीं सुना ये कि माइनस इंटू में माइनस जो होता है तब होता है प्लस। ठीक है। माइनस इंटू माइनस यानी कि माइनस गुना में माइनस, तब ये क्या बनता है? प्लस। यहाँ पे इनके बीच में क्या हो रही है? गुना। जब इनके बीच में गुना होगी ना, तब जाके माइनस माइनस जो होगा वो प्लस होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद और भी बातें आपको पता है कि माइनस गुना में प्लस, तो माइनस होता है, प्लस गुना में माइनस तो माइनस होता है, और प्लस गुना में प्लस तो प्लस होता है। पर यहां पर जो हम कर रहे थे, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था इनके बीच में, ये आप -2 में से -3 कर रहे थे। आप अगर एक नंबर लाइन बनाए, ये रहा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, आपके पास कभी भी आप नंबर लाइन पे प्लस माइनस सीखेंगे ना, तो हमेशा याद रखना है कि जब हम प्लस करते हैं तो हम राइट में जाते हैं, और जब हम माइनस करते हैं तो हम लेफ्ट में जाते हैं। ठीक है। तो नंबर लाइन पर जब भी आप प्लस करेंगे तो राइट में जाएंगे, और माइनस करेंगे तो
लेफ्ट में जाएंगे, अपने राइट ऑफ राइट और लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, माइनस टू में से माइनस थ्री करना है, माइनस टू ये रहा, इसमें से और कितना माइनस करना है, थ्री। तो थ्री आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, थ्री आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो आप लेफ्ट साइड में एक दो तीन यहाँ जाएंगे तो आप माइनस फाइव पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ऐसे होता है ये एक्चुअल में, ठीक है, कि आपको माइनस टू में से माइनस थ्री करना है। आप समझें, अगर आपको बोला जाए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने किसी से दो रुपये उधार ले रखे हैं, ठीक है, और आप उसके पास आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आप जाते हैं उस आदमी के पास वापस और आप उससे तीन रुपये और उधार लेके आ जाते हैं। तो दो रुपये आपके पास पहले से उधार थे, तीन रुपये आपने और उधार ले लिए, तो टोटल कितना उधार हो गया आपके ऊपर, तो पाँच रुपये उधार हो गया। तो टोटल उधार कितना हो गया, तो पाँच रुपये। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको सोच के चलना है कि माइनस में से माइनस करेंगे तो भले ही वो जुड़ रहा है, दोनों माइनस जुड़ जाएगा, पर आगे जो साइन लगेगा वो माइनस का ही लगेगा, ठीक है। तो जब भी प्लस या माइनस करते हैं तो दोनों में इसी तरीके से होता है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट ये वाला है, ठीक है। अब डिवाइड में भी ऐसे ही होगा कि अगर आप माइनस छः को डिवाइड करेंगे माइनस दो से, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर किसका आएगा, प्लस का थ्री। मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है और प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है, ठीक है। अब मान लो कि आपके ऊपर पाँच रुपये उधार है और आपने उसको तीन रुपये दे दिए, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा। मैंने अगर क्वेश्चन लिखा माइनस फाइव प्लस थ्री, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है कि आपके ऊपर पाँच रुपये उधार है और आपने उसको तीन रुपये चुका दिए, तो आपके ऊपर उधार कितना बच जाएगा, दो रुपये। यानी कि जब भी एक प्लस एक माइनस आप देखें, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो अगर दोनों माइनस के हैं तो जोड़ दो, आगे माइनस लगा दो, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस कर दो, और जो बड़ा है उसका साइन लग जाएगा। यहाँ पे फिलहाल पाँच बड़ा था जो कि माइनस, जिसके आगे क्या लग रहा था, माइनस, तो आंसर किसका आया, माइनस का। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, अगर मैं कहूँ कि आपके पास क्या है कि भाई आपने किसी से तीन रुपये उधार लिए और उसको सात रुपये दे दिए, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास चार रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि उधार आप दूसरे पे चढ़ा देंगे। आप दूसरे पे उधार चढ़ाएंगे तो आप दूसरे को आप माइनस करेंगे तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। आप किसी को उधार देते हैं तो आपके ऊपर प्लस आता है, और किसी से उधार लेते हैं तो आपके ऊपर माइनस आता है। तो वहाँ यहाँ पर आप यही समझेंगे कि आपने किसी से पहले उधार लिया था तो आप पे माइनस तीन था, पर आपने उसको सात रुपये दे दिया वापस, ठीक है। तो ये तीन तो चूक गए, पर उसके अलावा आपने चार रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो यानी आप चार पॉजिटिव में आ गए। ये बात समझ में आ रही है आप सबको, ठीक है। वैसे फिलहाल अभी हमें ये सब चीज़ें समझनी नहीं थी इस वाली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, पर मैंने आपको समझा दिया क्योंकि हम नंबर के बारे में ही बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में, और इसमें नंबर लाइन भी हमें समझना है, ठीक है। तो लगे हाथ हमने ये बातें भी करी ली, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपके बहुत छोटी क्लासेज में आपको समझाया जाता है, पर हो सकता है कि कुछ बच्चों ने उस टाइम ध्यान से ना समझा हो, तो आज आप इस पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सब। तो हम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे कि, और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। आज हम इसके अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें नंबर के बारे में पढ़ना था वो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। द नंबर, आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, अ रैशनल नंबर
इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स होल नंबर लिख सकते हो बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, मतलब एक मिनट, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सॉरी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो पी और क्यू जो होते हैं ये आपके कौन होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, इंटीजर्स मतलब कोई सा भी पॉजिटिव नंबर या कोई सा भी नेगेटिव नंबर हो सकता है. ठीक है, ये कोई सा भी पॉजिटिव नंबर या कोई सा भी नेगेटिव नंबर हो सकता है. ठीक है, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी क्यू जीरो के बराबर नहीं होता. ठीक है, क्यू जीरो के बराबर नहीं होता. अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं कोई सा भी नंबर, आपने ऐसे फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर देखे हैं ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. हिंदी में रैशनल नंबर्स को कहते हैं परिमेय संख्या, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या. और अगर मैं इसकी हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिख दूं, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चे होते हैं तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ ये कि एक परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बटे q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं परंतु q बराबर नहीं है जीरो के. ठीक है, तो हिंदी वाले अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, कि p और q, ये एक रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q इंटीजर्स होते हैं पर q जीरो के बराबर नहीं होता. यानी कि आप जीरो को, क्यू को जीरो छोड़ के आप बाकी कोई सा नंबर, चाहे आपको पता होगा कि पी और क्यू हम जैसे लिख रहे हैं, ऊपर वाले को न्यूमिरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं. ठीक है, तो आप अंश की जगह कुछ भी नंबर रख सकते हैं, हर की जगह कुछ भी नंबर रख सकते हैं. ठीक है, बस हर में कभी, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं रखेंगे. तो अगर मैं कोई सा भी नंबर लिख लूँ, 2/3, -4/5, 6/7, 11/2, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं आपके रैशनल नंबर्स हैं. बस आपको किस बात का ध्यान रखना है, आप नीचे भी नेगेटिव लिख सकते हैं. जैसे मैंने मान लो यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, वो बाद में ऊपर ही चले जाते हैं नेगेटिव, वो बात अलग है, पर आप ऊपर नीचे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आप ऊपर जीरो ले सकते हैं पर आप कभी नीचे जीरो नहीं ले सकते. ठीक है, ये आपका एक रैशनल नंबर है पर ये आपका एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आप कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकते. ठीक है, तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है इरेशनल नंबर. हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या. ठीक है, अब ये अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो
ये वो नंबर है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें इरेशनल नंबर कौन से आते हैं आपके, जो नंबर रूट के अंदर होते हैं, ठीक है, जो नंबर रूट के अंदर होते हैं, और रूट में भी कैसे नंबर जो रूट से बाहर मतलब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। रूट के अंदर तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, मैं रूट के अंदर को अंदर चार भी लिख सकता हूँ, ठीक है, पर रूट के अंदर चार जो है ये बाहर निकल के दो बन जाता है, क्योंकि आपको पता है चार जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और चार किसका स्क्वायर होता है, दो का स्क्वायर। आपको पता होगा कि रूट से कोई नंबर बाहर कैसे आता है, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रूट के अंदर किसी के फैक्टर्स हो जाते हैं और पेयर बन जाता है, ठीक है, ये पेयर जब बन जाता है तो ये बाहर निकल के आ जाता है। तो ये तो बाहर निकल के आ गया, तो इसे हम इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये आपका रैशनल है, ठीक है। बट अगर रूट के अंदर सिर्फ दो लिखा हुआ है, अब आप इसके पेयर नहीं बना सकते, मतलब ठीक है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में अब नहीं आ सकता, तो रूट टू जो है ये रूट टू ही रहेगा। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी एक पॉइंट में ऐसा नंबर आएगा जो कभी ना ख़त्म होगा और ना रिपीट होगा, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, आगे लिख देता हूँ, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। तो ये रूट वाले नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक और आता है, इसी में पाई भी जो होता है, जो आपकी पाई होता है, आपको पता है पाई क्या होता है, पाई के बारे में आपने सुना होगा कि पाई जो होता है 22/7 इसकी वैल्यू होती है, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, पर हम ले लेते हैं इसको 22/7, और हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो लिख देते हैं 3.14। एक्चुअल में ये सिर्फ 3.14 नहीं है, ये आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, ये वैल्यू आगे बढ़ती रहती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये भी वो ऐसा ही एक नंबर है जो कभी ख़त्म भी नहीं होता और कभी रिपीट भी नहीं होता, इसलिए पाई भी एक तरह का इरेशनल नंबर आता है, होता है, ठीक है। तो जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हिंदी में अगर इनको लिखें तो इन हिंदी में इनको इन्हें कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति संख्या, अनवसानी अनावृत्ति संख्या जो होती है वो आपके अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और पाई भी एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे आने वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी ये मत टेंशन लेना कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं, वैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसे नंबर होते हैं, ये पॉइंट वाले ऐसे नंबर होते हैं जो कभी ना ही रिपीट होते हैं और ना ही कभी ख़त्म होते हैं, ठीक है, ये हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूँ एक दो, तो वन, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1.01001001000001, कुछ ऐसे नंबर्स, ठीक है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं और ये इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे हम कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, ये पैटर्न टाइप होता है, देखो आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, ये एक पहले एक बार जीरो, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसा आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं और ये एक तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और रूट के अंदर से भी जो वैल्यूज निकलती है ना, वो भी कुछ इसी तरीके की होती हैं, इसीलिए हम इनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि रूट वाले नंबर्स भी यही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि वो भी कभी रिपीट नहीं होते और कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स और ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसके आगे हम आते हैं, चलिए, तो इसके आगे अब हमें जो करना है वो है रियल नंबर, रियल नंबर हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो क्या होती है वास्तविक संख्या, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा
हमने जितने तरह के नंबर पढ़े ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं वो सारी की सारी रियल नंबर ही होती हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं भाई। जितने भी अभी तक हमने पढ़ा ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट है रियल नंबर के बाद, वैसे आपके पेपर में आपके नाइन्थ क्लास के से जो रिलेटेड है वो रियल नंबर तक ही है, ठीक है। आपके नाइन्थ क्लास में रियल नंबर तक ही है, पर मैं आपको इससे थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले हम समझ लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कौन सा होते हैं? ये अभी तक आपने पढ़ा रूट के अंदर नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, पर ये हमारी इमेजिन है, हमने किया है इसको, ठीक है। तो इसलिए ये इमेजिनरी नंबर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, नाम से पता चल रहा है। इमेजिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इमेजिन करना, यानी कल्पना करना हिंदी में कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है? जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और एक्चुअल में जो रूट के अंदर नेगेटिव होता है ना, उसको हम आयोटा से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं? आयोटा। एक्चुअल में रूट माइनस वन, रूट में माइनस वन को हम लिखते हैं आयोटा, ठीक है। तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा को, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर जो होता है ये आयोटा होता है आपका, रूट माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट टू को, माइनस रूट टू को हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट टू आयोटा। माइनस अंडर रूट में माइनस रूट थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री आयोटा, ठीक है। ये आप इलेवेंथ क्लास में पढ़ेंगे, वैसे ये आपके इलेवेंथ क्लास का टॉपिक है, पर मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समझा दिया तो पता होना चाहिए। बाकी इसकी डिटेल तो आप इलेवेंथ में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये आपका अवास्तविक संख्या होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना वो आपका एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर होता है। इनका प्लस या माइनस में, इनका प्लस या माइनस में जो बनता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर के मिलने से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस में रूट 3 आयोटा, अगर मैं कुछ ये लिखता हूँ तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। या मैं लिखता हूँ 2 माइनस में रूट 5 आयोटा, तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। या आप इसके आगे भी माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे आपके कौन होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये हो गए हमारे सारे तरह के नंबर्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम और तरीके से, मतलब जो हमने नेचुरल और होल नंबर पढ़े ना, उनको हम और बांट सकते हैं, ठीक है। आपने इवन ऑड का नाम सुना होगा, तो आप इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसमें हम और उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वो इससे रिलेटेड तो नहीं है ये, वो किससे रिलेटेड है? आपके
वो आपके इंटीजर से रिलेटेड है, ठीक है ना। इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई, अगर मैं लिख दूं वो इवन नंबर्स के बारे में, वैसे इंटीजर से रिलेटेड होते हैं और ये बातें आपको तो पता ही होती है कि जो नंबर दो से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। चलो मैं और बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूँ कि अब हम इंटीजर्स को और कितने चीज़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गए, अब हम इंटीजर को और थोड़ा डीप में समझ लेते हैं हल्का सा, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम बांट सकते हैं पहला इवन और ऑड के बेसिस पे, इवन नंबर, एंड दूसरा ऑड नंबर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको सम संख्या, इसे हम कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है, वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट्स होती हैं, 0, 2, 4, 6 या 8, ठीक है। तो जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से अगर बोला जाए तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारे, और नेगेटिव में भी आप हो सकते, ये हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव का जो -2 है, -4 है, वो भी आपके इवन नंबर्स ही हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पर, इनको छोड़ के बाकी बचा 1, 3, 5, 7, 9, ये जो होते हैं, ठीक है, जिनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स दिखाई दे वो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, यानी कि जो दो से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जो दो से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो एक तरीका हो गया इंटीजर्स को बांटने का, इसके अलावा हम इंटीजर्स को एक और तरह से बांट सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, ठीक है, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। द नंबर्स विच डू नॉट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, हिंदी में कहें, हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, कि वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते, वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते वह कौन होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और सिंपल भाषा में हम कहें कि वो नंबर जो अपने आप से और एक से, एक को अपने आप को और एक को छोड़ के और किसी से डिवाइड नहीं होते वो आपके होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। हम सिंपल भाषा में बोलते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप और एक को छोड़ के। तो जैसे मैं अगर नंबर लिख रहा हूँ 17, तो आप सोचें खुद कि 17 किस नंबर, किस टेबल में आता है, तो आप कहेंगे कि 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। या 1 की टेबल अगर हम कहें तो 1 की टेबल में भी 17 आ जाएगा, ठीक है, और 17 की टेबल में भी 17 आ जाएगा, इसके अलावा ये और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो ये एक तरह का कैसा नंबर हुआ, तो एक तरह का प्राइम नंबर हुआ, ठीक है।
तो एक तरह का कैसा नंबर हुआ, प्राइम नंबर, जिसमें इसके सिर्फ दो ही फैक्टर बन सकते हैं और ये दो फैक्टर हैं, एक है 1 और दूसरा ये खुद है 17, तो इसीलिए ये एक तरह का प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे ही और भी प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं शुरुआत से बोलूं कि सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। कई लोगों को लगता है कि जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो 1 है, पर नहीं, सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वो कौन होता है, 2। ठीक है, 1 जो होता है हमारा यूनिवर्सल नंबर होता है, इसीलिए हम उसको ना ही हम प्राइम में रखते हैं ना ही हम उसको कंपोजिट नंबर में रखते हैं, उसको हम रखते हैं, उसको हम दोनों में से किसी में रखते हैं। यानी इसलिए पहला जो आपका प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, क्योंकि 4 इसके बाद, जो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 आपको पता है 2 के टेबल में आता है, इसीलिए वो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो एक क्या ना है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब जो 5 है ये भी किसी के टेबल में नहीं आता, 7 इसके बाद 11 इसके बाद 13 और ऐसे ही आपको आगे पता है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं आप ये निकाल के चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट जो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये वो नंबर्स होते हैं जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, हिंदी में इनको बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड, इधर लिख देना होते हैं। ठीक है, यहां लिखा नहीं होते हैं, इधर लिख देना होते हैं, वो कौन होते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यानी कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 से ज्यादा फैक्टर वाले जो नंबर है पहला कौन सा होता है, तो पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि 1 ना ही इसमें आएगा ना ही इसमें आएगा। ठीक है, 2, 3 तो प्राइम में आएगा, तो पहला कंपोजिट नंबर कौन बनता है, 4, इसके बाद कौन आता है, 6, उसके बाद कौन आता है, 8, इसके बाद कौन आता है, 9, फिर 10 और ऐसे ही आपको 1 से 100 के बीच में ये चीज़ें निकालनी है, प्राइम नंबर्स भी निकालने हैं और कंपोजिट नंबर्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो ये निकाल के आप बताएंगे, तो ये एक और तरीका हो गया बांटने का। तो नंबर्स को हम ऐसे ही और तरीकों में भी बांट सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, हमारे 9th क्लास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उतना हम लगभग कर चुके हैं, लगभग क्या, उससे बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके आगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।